में क्रीड़ा यानी छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी विभाग ने 3 साल पहले चौक चौराहों को रोशन किए जाने के लिए लाखों की लागत से हाई मास्क लाइट लगवाई हुई थी, लेकिन आज ये सभी हाई मास्क लाइट एक एक करके बंद हो चुकी हैं। विभाग की लापरवाही और मेंटेनेंस के अभाव में ये सब बंद हैं। कुरेना, छोटे बेटिया और प्रतापपुर के ये वो चौराहे एक बार फिर से अंधेरे में डूब गए हैं। लाखों की लाइट देख रेख के अभाव में शोपीस में ही तब्दील रह गई है। यह लाइट जिस प्रकार हवा में झूल रही है उससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे अक्सर बच्चे खेलते रहते हैं। ये कभी नहीं चलते भैया, जब से लगा तभी से बंद है, कोई अधिकारी भी देखने के लिए भी नहीं यहाँ पे। कौन लगाया पता था? एक सुना हूँ क्रीड़ा विभाग से लगाया गया है, परंतु जब से लगा तभी से फॉल्ट है। शुरू शुरू में तो जला, बाद में अभी डिस्टर्ब है, 3 बल्ब जल रहा है, 3 नहीं जल रहा है। कोई मिस्त्री आता है यहाँ पर? अभी आया दो एक बार, उन लोग आके चक्कर के लगा के लिया। तो अभी तो हाईमैक्स को झूल रहा है? हाँ, झूल रहा है, इधर उधर झूल रहा है, और उसका जो ऊपर का तार है वो तो मतलब खराबी हो गया है।